हेलो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मुझे कमेंट आए थे और मैसेजेस भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि एक वीडियो बनाओ एंटरप्रेनर्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके ऊपर। तो इसीलिए आज ये वीडियो में आपको मैं एक एंटरप्रेनरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे ये प्रोग्राम कौन से सिटी में होने वाला है, ये प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए फीस कितनी होगी और क्या क्या सिखाया जाएगा ये प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम का टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी बिजनेस, स्टार्टअप, फंडिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बताऊंगा उसका नाम है स्टार्टअप कैटापुल्ट, और ये प्रोग्राम को सरदार पटेल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्पॉन्सर्ड है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सबकी डिमांड है, और इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे भी लिस्टेड है। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स बताता हूँ ये प्रोग्राम के रिलेटेड। तो ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको सबसे पहले डालना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे आप जाओगे, ये जो वेबसाइट है startupindia.gov.in। स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पे व्यू ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे सारे इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स प्रोग्राम की आपको डिटेल मिल जाएगी। इसमें आपको इनक्यूबेटर प्रोग्राम जो ऑप्शन है सेकेंड, उस पर जाना है। उसमें ये जो फर्स्ट है स्टार्टअप कैटापुल्ट, ये जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बता रहा था उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी पूरी ये पेज पे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्टअप कैटापुल्ट 6 वीक्स का प्रोग्राम होगा, 6 वीक्स एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रोग्राम का टोटल ड्यूरेशन 6 वीक्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे फीस के रिलेटेड डिटेल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक जन की फीस यहाँ पे 25,000 है। अगर आप एज अ फाउंडर या स्टूडेंट या एज एन इंडिविजुअल जाते हो अकेले तो 25,000, बट अगर आपके साथ कोई और भी है जैसे को फाउंडर तो टोटल फीस 40,000 हो जाएगी। ये फीस की डिटेल्स है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत कि एग्जैक्टली सिखाएंगे क्या यहाँ पे, ये प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या क्या आपको सिखाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है टोटल 6 वीक्स का है, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत मेरे ख्याल से अच्छे से एकदम बताया हुआ है कि वीक बाय वीक कैसे, कौन से वीक में क्या क्या चीज़ होगी। और मैंने तो पूरा ये रीड किया है अच्छे से। मेरे हिसाब से जो सारी स्किल्स, मोस्ट ऑफ द स्किल्स, सारी तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए वो इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाले पेज पे कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सिखाएंगे ये लोग, टोटल 6 वीक्स का जो प्रोग्राम है इसमें। इसके साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन जो इस पेज पे मेंशन नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि ये जो प्रोग्राम है वो मुंबई में होने वाला है। तो आप अप्लाई करो उसके पहले कंसिडर कर लेना कि आपको ये प्रोग्राम के लिए, इनकेस अगर आप डिसाइड करते हो ज्वाइन करना, तो इसके लिए आपको मुंबई में आना पड़ेगा ये, क्योंकि ये प्रोग्राम मुंबई में होने वाला है। मैंने ये प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन ले ली थी क्योंकि ये वेब पेज पे मेंशन नहीं थी ये वाले पेज पे। तो मैंने आपका काम सिंपल करने के लिए पहले ये इन्फॉर्मेशन ले ली है कि प्रोग्राम एग्जैक्टली होने वाला मुंबई में है और ये फेस टू फेस प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है उससे मैंने ली है। उसके बाद आप ये सब रीड कर सकते हो कि कौन से स्टेक होल्डर के लिए एप्लीकेबल है, ऑलमोस्ट सभी कवर्ड है और इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे जो इंसेंटिव्स है उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ये आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अक्नॉलेजमेंट के लिए कि आप ये कोर्स के पार्टिसिपेंट थे। उसके बाद यहाँ पे ये भी इन्होंने इंसेंटिव में ही ऐड किया हुआ है, प्रोसीजर पोस्ट सबमिशन अलग है। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि फ्री 3 मंथ्स इंक्यूबेशन
और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीड फंडिंग के लिए। मतलब डायरेक्टली फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, बट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आप आपका आइडिया पिच कर सको, एक्सप्लेन कर सको इन्वेस्टर को आपका आइडिया। तो ये अपॉर्चुनिटी देंगे आपको ये जो ऑर्गेनाइज़र है। ये इसके बाद टाइमलाइन है। टाइमलाइन में मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि जैसे अभी आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात की थी इसके रिलेटेड भी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें डेट्स जो है वो वेरी होगी, ये जो डेट्स है वो चेंज हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने के चांसेस है। बट अभी के लिए जो डेट है वो लास्ट डेट है 9 अप्रैल। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4 अप्रैल को, तो आप विद इन अ वीक अपलोड अप्लाई कर दोगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो बेटर रहेगा, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मे बी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि जैसे पूरे नेशन में लॉकडाउन है तो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो भी उसके बाद ही होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है उसके बाद। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया जी ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट कर रहा है ये प्रोग्राम उसकी डिटेल्स है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ये आप रीड कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में कवर कर लिया ये सारे क्वेश्चन। तो उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो अप्लाई नाउ ऑप्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म एज सच कुछ है नहीं, बस आपको आपकी और अगर आप दो जन जा रहे हो को फाउंडर है तो पर्सनल डिटेल्स देनी है उसकी। तो जैसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, सबसे पहले तो नेम, कंपनी नेम, अगर ये भी मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अगर आपकी कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड तो ही आपको यहाँ पे डालना है। बाद में प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस आपको कितना है वो, और अदर एक्सपीरियंस, अदर एजुकेशन, ये सब पर्सनल डिटेल्स है आप इजीली डाल सकते हो। सेम को फाउंडर की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, इन केस अगर आप को फाउंडर के साथ जाओगे तो, ये भी कंपलसरी नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बस इतना ही एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपके टीम में कितने लोग हैं अभी, जो भी रिस्पेक्टिव आंसर है आपका वो आपको यहाँ पे डालना है, और फाइनली फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपका। तो ईमेल आईडी इंश्योर करना जो ईमेल आईडी पे आप एक्टिव हो वो वाला डालना, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको वो ईमेल आईडी पे आएगा। वो डालने के बाद फाइनली यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप पूरा प्रोसीजर समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।